ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ मेरे बहन और भाइयों, सत्संगी प्रेमी जनों, समय का अभाव होने के कारण कोई वार्तालाप कथा पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले समय हो जाता है, लेकिन कृपा है असीम उसकी, ऊपर वाले की, उस मुरली वाले की, कि हमको जितना भी समय मिला है उतने समय में तो हम रस का पान कर ही लेते हैं, उतना तो अमृत चख ही लेते हैं। ये क्या कम कृपा है उस दयालु की। पिछले सत्संग में कह रहा था, सुदामा जी ने ययाचिक व्रत ले रखा था, भगवान के शुद्ध भक्त थे सुदामा जी। उनकी पत्नी एक दिन कहती है सुशीला कि सुनते हो, आप मुझे कई बार कहा करते हो अपने मित्र कृष्ण की कथाएं, कि बचपन में एक मेरे मित्र थे श्याम रंग के, मैंने सुना है गांव वालों के मुख से कि एक कृष्ण नाम का एक राजा द्वारकापुरी में राज कर रहे हैं, कहीं वो ही तो कृष्ण नहीं है तुम्हारा मित्र। सुशीला, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो याद भी कम आती है। हाँ, एक बचपन में मेरे कृष्ण एक श्याम रंग के बड़े सुंदर बालक, बड़े मनमोहक, काले काले नेत्रों वाले, इतने मधुर बात करते थे, मेरे साथ रहते थे, मेरे मित्र थे, बात बात में मुझे हंसाया करते थे। क्या पता वो ही कृष्ण हो, मुझे मालूम नहीं है सुशीला, बिछड़े बहुत समय हो गए हैं। सुनो जी, हम बहुत गरीब हैं, तुम अपने मित्र के पास जाओ ना, मिल के आओ उनसे एक दिन। गांव वालों के मुख से सुना है कृष्ण नाम के एक राजा द्वारकापुरी में राज करते हैं, सभी उनको द्वारकाधीश कहते हैं, कोई रणछोड़ राय कहते हैं। क्या वो तुम्हारे मित्र कृष्ण ही तो नहीं है, एक दिन चले जाओ ना, क्या हानि है, राजा के पास जाने से तो ऐसे भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है। अरे रे सुशीला, तुम मैं मांगने के हिसाब से किसी राजा के द्वार पे जाऊं, मेरे मित्र सुदामा के मित्र भी हो वो कृष्ण, तब भी मैं मांगने के हिसाब से तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हां उनके मिलने की मुझे बहुत इच्छा है। यदि वो मेरे बचपन के मित्र कृष्ण हो तो जरूर मेरी बहुत प्यास है कि उनसे जाकर एक बार गले मिलूं। सुशीला कहती है चले जाओ फिर एक दिन, सोचो मत। लेकिन सुदामा जी जब कई बार कई दिन सुशीला ने कहा तो एक दिन कहने लगे कि ठीक है सुशीला, तू बार बार कहती है और मेरे हृदय में उनसे मिलने की बहुत प्यास भी है, अगर वो ही कृष्ण हुए, ये मेरी इच्छा बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं, इतने दिनों के बाद यदि वो मित्र हुए और उनसे मिलूंगा तो उनको कुछ भेंट देनी पड़ेगी, और अपने घर में भेंट देने को कुछ नहीं है, चावल भी नहीं है, दो मुट्ठी जो मैं ले जाऊं। सुशीला ने कहा इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, कोई पड़ोसी से मैं ले आऊंगी चावल। ले आई सुशीला, चावल के टुकड़े कुछ तीन मुट्ठी चावल लेके आई, बस इतनी मिले थे, मांगने से मिलता क्या है। सुदामा जी वो चावलों के एक
गांठ कपड़े में पोटड़ी में बांध के चल दिए द्वारकापुरी की ओर, नंगे पांव, हाथ में लकड़ी है, बुढ़ापा है, अंधा है, कम दिखता है, धुंधला दिखता है, चले जा रहे हैं। 160 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन पैदल चलना है सुदामा जी को। रातों में विश्राम करते हुए एक दिन तो पहुंच गए द्वारकापुरी के द्वार पर, प्रथम द्वार पर। 7 दरवाजे द्वारकापुरी के थे, सुनहरी द्वारकापुरी थी, 100 योजन के घेरे में ये द्वारकापुरी बनी हुई थी। 16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण की थी, प्रत्येक रानी का एक एक महल और सुंदरता बागों के साथ सजे हुए थे। बड़ी विशेष महिमा थी उस द्वारकापुरी के, समुद्र के मध्य में थी। पहले दरवाजे पर पहुंच गए, सुदामा जी घबरा रहे हैं कि ये द्वारपाल मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। लेकिन वो सोच ही रहे थे कि ब्राह्मणों का टोला द्वारकाधीश के दर्शनों को जा रहा था। जैसे भगवान के दर्शनों को बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्राह्मण आया ही करते थे, नित्य आया ही करते थे, दूसरे जन वो ब्राह्मणों के ग्रुप में मिल गए, बीच में घुस गए द्वार सुदामा जी, कि इनके भीड़ भड़के में ये द्वारपाल मुझे नहीं देखेंगे, नहीं मुझे देख लेंगे, मेरी दशा देख के ये रोक देंगे कि ये फकीर कहां घुसा जा रहा है। पहला दरवाजा पार कर गए, दूसरा दरवाजा पार कर गए, तीसरा दरवाजा पार कर गए, आखिर तो छुपते छुपाते सुदामा जी रुक्मणी के दरवाजे पर जा पहुंचे, जहां श्री कृष्ण भगवान निवास कर रहे थे। सुदामा जी को मालूम नहीं है कि यहीं पर कृष्ण मेरे मित्र हैं। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी की अवतार है। आके रुक्मणी जी के द्वारपालों ने रोका कि तुम कहां जा रहे हो ब्राह्मण देव? भैया, मेरे जो यहां के राजा है कृष्ण, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अरे, द्वारकाधीश द्वारकानाथ, ये स्वर्ण नगरी द्वारकापुरी के सम्राट तुम्हारे मित्र, क्या कहते हो? क्या बुद्धि ठिकाने पर है? नहीं भैया, मैं सत्य कहता हूं। बचपन में मैं और कृष्ण दोनों ही एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही गुरुजी से विद्या अध्ययन किया है, लेकिन अब बिछुड़ गए, मुझे उनसे मिला दो। ठहरो यहां, मैं पूछ के आता हूं कि ये सही बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा। द्वारकाधीश को प्रणाम करके द्वारपाल बोला, द्वारकानाथ, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है, बड़ी दीन दशा है, वो बार बार कह रहा है कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं बचपन का, मैं और द्वारकाधीश श्री कृष्ण एक ही संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़े, वो अपना नाम सुदामा बतला रहा है। द्वारकाधीश बोलते हैं, क्या कहा द्वारपाल, फिर से कहो। बोलो, हे द्वारकानाथ, एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, वो अपना नाम सुदामा बतलाता है और आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल, फिर कहो, क्या नाम बतलाता है? द्वारकानाथ, सुदामा। बस भगवान, सुदामा कहके चिल जोर से सुदामा कहके भाग लिए दरवाजे की तरफ, उनके मुकुट गिर गए, दुपट्टा गिर गया।
सुदामा को लिपट गए जाकर के, बाहों में भर लिया अपने मित्र को, लिपटे रहे बहुत समय तक। बलराम जी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये क्या, कृष्ण किनको गले मिल रहा है और इतने लंबे समय के लिए, आश्चर्य। बलराम जी ने नजदीक जाके सुदामा जी के गले लगे हुए कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा कि कृष्ण क्या हो गया है, कौन है ये और ये इतना लंबा मिलन। हा भैया, ये मेरी मित्र है, सुदामा है। जय गोपाल। जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र, परम मित्र सुदामा जी को अपने महलों में ले गए, रुक्मणी जी के महलों में जहां वो विराजमान थे रुक्मणी जी के साथ। और रुक्मणी और दूसरी और भी रानियां वहां थी, सभी को परिचय कराया कि ये मेरे मित्र हैं, गुरुकुल में हम दोनों साथ पढ़े हैं, सुदामा इनका नाम है, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं ये। रुक्मणी जी दूर हट गई। भगवान ने रुक्मणी जी की सेज पर सुदामा को कहा कि बैठो मेरे मित्र। रुक्मणी जी की सेज पर, लक्ष्मी जी की सेज पर अपने मित्र को बिठाया, परात मंगाई, जल मंगाया कि रुक्मणी सत्यभामा मेरे मित्र आए हैं, जल लाओ, इनके चरण धोने मुझे। भगवान ने रुक्मणी इत्यादि रानियां जल लेके, जल की झारियां लेके खड़ी है, भगवान के नेत्रों से सुदामा की ये दीन दशा नहीं देखी गई। उनके पांव में बिवाइयां फटी हुई थी, रक्त बह रहा था, कांटे घुसे हुए थे, चलकर आए थे दूर से, नेत्रों से, परमेश्वर के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह निकली अपने भक्त के दशा देख करके। अपने नेत्रों से निकलते हुए जल से ही उनके पांव को मलने लगे। भगवान ने अति प्रेम किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने दूसरे दिन सुबह हुई तो कहा अभी मैं वापिस जाऊं, सुशीला इंतजार करेगी, एक रात का ही, एक दिन का ही नाम लेके आया हूं और पहुंचने में अभी तो बहुत टाइम लगेगा, कई दिन जाएंगे, 5-6 दिन में आके पहुंचाऊ, 5-6 दिन जाने में लगेंगे, एक रात आपके साथ रह लिया, आपसे मिल लिया, मेरे को आनंद आ गया, बहुत प्यास थी आपसे मिलने की, आपके दर्शनों की, आप द्वारकाधीश बने हुए हैं, काफी उम्र हो गई है आपको यहां रहते हुए, नवनूतन नंद किशोर। भगवान सुदामा जी को विदा करते हैं। सुदामा जी को बड़े बड़े स्नान करवा के बड़े सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया था एक रात्रि के लिए और एक दिन के लिए। जाने लगे तो सुदामा जी को बोले, भैया ये तो राजघराने के वस्त्र, इनको तो यहीं उतार जाओ, इनको लेकर के कहां जा रहे हो, ये तुम्हारी धोती रही, इसको पहन लो। सुदामा जी कहा मैं भूल गया मेरी धोती। सुदामा जी को एक पैसा भी नहीं दिया भगवान ने, ना ही सुदामा जी चाहते थे, ना ही उनकी कोई याचना थी पैसों की, उन्होंने तो ययाचिक व्रत लिया हुआ था। सुदामा जी अपने रूप को, अपने वस्त्रों को पाकर के प्रसन्न हो गए और लकड़ी टेकते हुए द्वार अपनी सुदामापुरी की ओर चल दिए, जो आज पोरबंदर नाम से जाना जाता है शहर। लेकिन वहां पहुंचे तो लीला कुछ और हो रही है गोविंद की, वह सुदामा का घर नहीं मिल रहा है,
सुदामा जी उस प्रेम में इतने पागल हो उठे थे, भगवान के प्रेम में इतने आनंद विभोर होते हुए रास्ते में चलते हुए आ रहे थे, गांव में नगर में प्रवेश किया, अपने घर की ओर बढ़े, लेकिन वहां तो घर नहीं है सुदामा जी का। बड़े चकित हुए, अरे मैं कहीं मार्ग तो नहीं भूल गया, भैया ये सुदामा नगरी है। बोला हाँ ये सुदामा जी, क्यों पागल बन रहे हो, ये सुदामा नगरी है। अरे फिर मेरा घर कहां गया, मेरे हिसाब से तो यहीं पर घर होना चाहिए, यहां पर तो ये महल खड़ा है, सुंदर महल खड़ा है, चार मंजिल का। सुदामा जी सोच रहे थे, ऊपर से झरोके में से सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने आवाज दी कि अजी सोच क्या रहे हो, अंदर आ जाओ, ये आप ही का घर है। सुदामा भी चक्कर में पड़ गए कि सुशीला इतने सुंदर वस्त्रों में खड़ी है सखियों के साथ। सुशीला शीघ्रता से उतर के आई और उनका हाथ पकड़ के महलों में ले गई। जी हां ये आप ही का महल है, ये आश्चर्य हुआ है, आपके मित्र से मिलने गए थे ना आप, उसी का ये फल है। सुदामा कहते कि लेकिन सुशीला मैंने तो कोई सांसारिक फल नहीं मांगा, मैं क्या करूंगा इस महल में रह करके, ये मुझे क्यों दिया है भगवान ने, भगवान की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो, ये उन्होंने प्रसन्न होकर दिया है, अपने मित्र को दिया है, अपने मित्र के रहने के लिए आप इसमें रहो वरना उनका दिल दुख जाएगा। आप चाहेंगे कि कृष्ण जी का दिल दुखे, नहीं मैं नहीं चाहूंगा, जो वो देता है उसको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसे भाव कृष्ण जी के ये परम भाव है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे परम भाव को नहीं पहचानते, मेरे परमेश्वर के भाव को नहीं पहचानते, और मैं मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूं इसलिए मेरा मुझे अपनी जैसा ही समझते हैं। ऐसे मूर्छित लोग, ऐसे राक्षस लोग, ऐसे मायावादी अहंकारी लोग मुझे नहीं पहचानते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको माम अजम अव्ययम। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन मैंने तुझे सब तरह का दसों दिशाओं का ज्ञान दे दिया है, गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया है, तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, क्या तूने ध्यानपूर्वक सुना, और इसके सुनने से क्या तेरा अज्ञान अंधकार मोह माया ममता नामक भ्रम सब नष्ट हो गए हैं, सब समस्याओं का समाधान हो गया है। तब अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह हे गोविंद, मेरे तमाम मोह ममता अहंकार अज्ञानता नष्ट हो चुके हैं। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, और मुझे वो स्मृति वापस मिल गई है, जिस स्मृति को पाकर के आदमी अपने स्वरूप को पहचान जाता है कि मैं कौन हूं, और उस गोविंद को भी पहचान जाता है कि वो कौन है जो हमारा बीज पिता है। मैं आपको भी अभी पहचान रहा हूं और मेरी स्थिति को भी पहचान रहा हूं कि मैं आपका एक भक्त हूं, आपका मित्र हूं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से ये सब हो, कुछ हो गया है गोविंद। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थिर बुद्धि हूं, अब मेरा मन चलायमान नहीं हो सकता,
अब मैं इधर उधर भ्रमित नहीं हो सकता, अब मैं कुएं में नहीं गिर सकता, खाई में नहीं गिर सकता, गड्ढे में, तमोगुण में, अंधकार में नहीं जा सकता, अब मैं उजाले में हूं, प्रकाश में हूं, स्थिर हूं। स्थिर बुद्धि है इस समय मेरी, स्थितो अस्मि, मैं स्थित हूं, मैं अपनी क्षत्रिय धर्म में स्थित हूं, मैं अपने धर्म क्षेत्र में स्थित हूं, युद्ध क्षेत्र में स्थित हूं। अब आप कहिए गोविंद, स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह गिर चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, ऑल इल्यूजन्स डिमोलिश्ड, सारे ही संदेह मेरे नष्ट हो गए हैं। करिष्ये वचनम तवा, हे गोविंद आप अब जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, जो भी कहोगे, ये कहोगी कि अर्जुन छलांग मार तो छलांग मारूंगा, आप कहोगे अर्जुन युद्ध कर मार इन आतताइयों को तो मैं मारूंगा, युद्ध करूंगा। अब मैं पूर्ण रूप से समझ गया हूं, ये सब मोह ममता का जाल कट गया है, छट गया है, हट गया है, वो धुंध और कोहरा जो मेरी आंखों के सामने था, जो सूर्य को नहीं देखने देता था, अब स्पष्ट नीला आसमान है और वो सूर्य चमक रहा है, उस सूर्य के मध्य में आप स्वयं साक्षात परमेश्वर परमपिता मेरे मित्र स्वरूप से, मेरे गुरु स्वरूप से खड़े हैं और मैं आपका शिष्य, आपका भक्त अर्जुन हूं। कहिए भगवान मैं क्या आज्ञा दीजिए, मुझे मेरी सेवा मुझे दीजिए, कहिए मैं क्या करूं, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। ये अर्जुन के शब्द थे जब सारी गीता का पान हो गया, सब सारे आत्मज्ञान का पान हो गया, जब पी लिया अर्जुन ने अमृत की तरह कंसंट्रेटिवली मेडिटेटिवली, योर होल लाइफ इज मेडिटेशन, जस्ट टू लर्न दिस आर्ट हाउ टू मेडिटेट, योर ईच स्टेप मेडिटेशन, जस्ट लर्न हाउ टू मेडिटेट अपॉन ईच स्टेप ऑफ लाइफ एंड यू गेट ए ग्रेट प्लेजर, ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट इंजॉय, ग्रेट नॉलेज, सेंट्रलाइज्ड सेल्फ रियलाइजेशन यू विल बी वन डे, सेल्फ रियलाइज्ड ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ए ग्रेट डिवोटी यू विल बी फुल ऑफ ब्लिस वन डे, यू विल बी फुल ऑफ नॉलेज वन डे, यू विल बी प्योरेस्ट इटर्नल सॉल, सच्चिदानंद लेवल पर आप होंगे, अभी नहीं, अभी कंटामिनेटेड, इल्यूजन्ड वन, कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, कवर्ड कॉन्शियसनेस, अभी आप भोगी विलासी और भोग विलासों की, काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच जैसे शत्रुओं ने आपके चारों, आपकी पवित्रता पर चारों ओर से काले रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का आवरण चढ़ा दिया है, आपके भ्रम चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं, आपकी भ्रम की गांठें लगी हुई हैं, आपके खजानों ने आपको मदांध किया हुआ है, अभी आप पॉल्यूटेड माइंड हैं, पॉल्यूटेड कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस तो प्योर है नहीं, कवर्ड है वो प्योरिटी, तो प्योरिटी को हटाने के लिए गीता का ज्ञान, गीता को सुनना, इस परम ज्ञान की प्राप्ति एक सदगुरु से, एक शुद्ध भक्त के मुख से होती है, उसका लाभ आपको मिलता है, आप भी पवित्र हैं अर्जुन की तरह, भगवान के भक्त हैं, मित्र हैं, लेकिन भूले हुए हैं उस स्थिति को, अर्जुन को याद आ गया, स्मृति लगता अर्जुन को वो याद आ गई है कि मैं कौन हूं, दासानुदासान दास, मैं उसका बालक हूं, बच्चा हूं, उसकी संतान हूं, वो मेरे पिता हैं, आप भूले हुए हैं,
आपको भी याद आएगी जब गीता का ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, सत्संग में आएंगे, रहेंगे, डटेंगे। जय गोपाल।